शिवपुरी के सुरवाया थाना अंतर्गत करई गंगोरा के पास कोटा झांसी फोर लेन हाईवे पर घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा घटित हो गया, जिसमें एक बस, एक ट्रक, एक कंटेनर और दो ट्रैक्टर ट्रॉली की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक ने अपनी जान भी गंवा दी है। सभी घायलों को तत्काल शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका डॉक्टरों द्वारा उपचार जारी है। वहीं इस हादसे में एक की मौत भी हुई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 8 बजे हाईवे पर घना कोहरा होने की वजह से बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद अन्य वाहन एक के बाद एक बस से टकराते हुए चले गए। लेके आए तो झूमने लगी बस। अच्छा, ड्राइवर कंडक्टर के शराब पिए हुए थे? हाँ, वो भाग ही गया, पता ही नहीं चला, जनता सब बस ही में, वो भाग गया। इसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है? 3-2 बॉडी पड़ी हुई उसमें, अभी दबी है गाड़ी में। दबी है, अभी निकली नहीं है। बच्चे भी घायल है, हमको भी लग गया, हमारे आदमी को भी लग गया, बहुत से घायल हो चुके हैं। बस भी बिल्कुल चपटा हो गई है बस। इसमें एक आदमी तो जान से खत्म हो गया, संतोष नाम का आदमी है, कन्नौज जिले का रहने वाला, और 5-6 आदमी घायल हैं, कुछ लोग इलाज करा के निकल गए। तो गाड़ी सर कहाँ से आ रही थी और एक्सीडेंट का कारण क्या था? ये गाड़ी अहमदाबाद से आ रही थी और कानपुर जा रही थी। घना कोहरा था, यहाँ 2 ट्रैक्टर और एक डंपर, एक ट्रक में आपस में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण रोड सक्रिय हो गई थी, रोड ब्लॉक था। वीडियो कोच वाले को कोहरे के कारण दिखा नहीं और वो डिवाइडर पर चढ़ के गाड़ी चल गई।